गोली चलाने के अलावा और दुश्मन से लड़ने के अलावा कोई काम भी नहीं आता है। तो चाय हमारा बहुत शौकी चीज़ है। के साथ अनबन हो गई जिस कारण डिपार्टमेंटली इंक्वायरी करके हमको डिसमिस फ्रॉम सर्विस। अकेले घर में रह रहे हैं, नौकरी छूट जाने के बाद वो लोग सारे बच्चे और बीवी सब गांव चली गए। को मिलवाने वाले हैं फौजी टी स्टॉल, फौजी चाय वाले से। इस टी स्टॉल को चलाते हैं राजीव रंजन उर्फ बबलू ठाकुर। बबलू ठाकुर पहले CRPF में नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इनकी नौकरी चली गई और अब ये चाय की दुकान खोल लिए हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जमशेदपुर के सुंदरनगर में। सुंदरनगर थाना से लगभग 100 मीटर की दूरी पर इनका ये टी स्टॉल है और अभी अभी इन्होंने ये टी स्टॉल शुरू किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। आइए हम बातचीत करते हैं राजीव रंजन से, जो इस दुकान को चलाते हैं, और जानते हैं कि ऐसी क्या वजह हुई कि एक CRPF जवान को चाय बेचने पर मजबूर होना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राजीव रंजन उर्फ बबलू ठाकुर है। तो चाय क्यों बेचने लगे आप, पहले किसमें नौकरी करते थे? सर हम सन 2004 में CRPF में जॉब कर रहे थे और CRPF में जॉब करते करते 2018 में हमारे एक सीनियर अधिकारी के साथ अनबन हो गई जिस कारण डिपार्टमेंटली इंक्वायरी करके हमको डिसमिस फ्रॉम सर्विस बर्खास्त कर दिया गया और हमारी आर्थिक स्थिति और मानसिक रूप से हम काफ़ी ग्रस्त हो गए थे। तो यहाँ के सामाजिक लोग और सुंदरनगर थाना प्रभारी के पहल से हमको एक छोटा सा टी स्टॉल खोल करके मतलब जीवन यापन करने के लिए बताया गया। आपके घर में कौन कौन? मेरे घर में मेरी 3 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ 5 लोग हैं, जिसमें हम अभी अकेले घर में रह रहे हैं। नौकरी छूट जाने के बाद वो लोग सारे बच्चे और बीवी सब गाँव चली गए, जिस अभी हम काफ़ी अकेला और टूट गए थे। हम जिन्हें घर राह भी छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमको बहुत कोऑपरेट किया। तो चाय दुकान जो आप खोले हैं, यहाँ पर कितने दिन हो गए खोल करके चाय दुकान? सर चाय दुकान अभी मात्र 1 हफ्ता से हम चला रहे हैं। 1 हफ्ता जी। चाय दुकान ही क्यों खोले, और भी कोई दुकान खोल सकते थे? सर जवान हुए और फौज में चले गए, 15 बरस फौज में दिए गोली चलाने के अलावा और दुश्मन से लड़ने के अलावा कोई काम भी नहीं आता है। तो चाय हमारा बहुत शौकी चीज़ है और बनाने में आसान है, इसका कोई इंटीग्रेट नहीं लगता और बनाने में आसानी होती है। सर्दी का समय है, सोचे कुछ पैसा कमा लें। कैसी चलती है आपकी दुकान यहाँ? ठीक है सर, मिला जुला के ठीक ही चल रहा है। कमाई हो जाती है लगभग ठीक ठाक, थोड़ा बहुत अपना ही पेट चल जाता है। और किसी से मदद मिली आप, कौन कौन लोगों ने? जी यहाँ के सुंदरनगर थाना प्रभारी महोदय के पहल से यहाँ के सामाजिक लोग, एक पप्पू वर्मा, अनमोल वर्मा, अमरजीत, करण, पवन, पंकज, इन सब लोगों ने मिलकर के हमें मदद किया और हमें चाय की टपरी चलाने का मौका मिला। आप यहीं कार्यरत थे जमशेदपुर में? जी नहीं सर, हम उस समय 160 बटालियन जम्मू चट्ठा एयरपोर्ट के पास पड़ती है, वहाँ हम पोस्टिंग थे। क्या हो गया था ऐसा जो आपको CRPF से निकालना पड़ा? सर ड्यूटी के दौरान अब एक सीनियर अधिकारी के साथ थोड़ा अनबन हो गया था, उसमें डिपार्टमेंटली इंक्वायरी बैठा करके हमको, हमने बहुत हाथ पर जोड़ा साहब से, लेकिन हमको डिसमिस फ्रॉम सर्विस ही कर दिए। हम काफ़ी मानसिक और आर्थिक रूप से ग्रस्त हो गए थे। सरकार की तरफ से कुछ मिला आपको? नहीं सर, सरकार की तरफ से बाद मिलता है जो? हम जम्मू हाई कोर्ट में सर इसका हम कोर्ट केस किए हुए हैं और जो 2018 से मेरा केस अभी लंबित है और हम केस लड़ रहे हैं। वकील साहब महोदय के कथनानुसार की डिग्री आपको होगा, लेकिन इस बीच कोरोना और लॉकडाउन हो जाने के कारण हम और टूट गए। सरकार से क्या चाहते हैं आपके साथ? सरकार से मेरा जो कोर्ट में जो केस है थोड़ा उसमें न्याय हमको मिल जाए और हमें पुनः बहाल करने का मौका मिले। फिर से बहाल होना चाहते हैं? जी सर।